पुलिस रेड के दौरान बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। दरअसल खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के रोरो गांव में प्रतिबंधित मांस का कारोबार करने के आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान हार्ट अटैक से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को रात भर पुलिस को बंधक बनाए रखा। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ एसडीओपी तोरपा के अंचलाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी रोरो गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। काफी समझाने बुझाने के बाद रविवार की सुबह बंधक बनाए गए सभी पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार तोरपा थाना की पुलिस प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोपी इजहार अहमद उर्फ कल्लू गिरफ्तार करने के लिए शनिवार की रात रोरो गांव पहुंची थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस दरवाजे को तोड़कर घर में घुसी और गाली गलौज करने लगी। उनका आरोप है कि पुलिस की धक्का मुक्की से कल्लू के पिता 75 वर्षीय मोहम्मद निजामुद्दीन की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गाँव वालों ने तोरपा पुलिस को देर रात तक बंधक बनाए रखा। पुलिस कर्मियों को घेरे रखने की सूचना पर खूंटी एसडीओ अनिकेत सच्चान समेत कई पदाधिकारियों ने ग्रामीणों व परिजनों को समझा बुझा कर अगले सुबह बंधक बने पुलिसकर्मियों को रिहा कराया और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कल रात्रि में तोरपा पुलिस द्वारा रोरो गांव में पूर्व एक वांटेड कल्लू करके हैं, उनके यहाँ पे जिनको लगभग 35 से 40 वर्ष उनके यहाँ पे रेड किया गया था और रेड के दौरान उनके परिवार के एक सदस्य जिनका नाम निजामुद्दीन है, लगभग उसकी उम्र 82 वर्ष 80-82 वर्ष की है, उनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसको लेकर उस समय जो परिवार है वो उस समय बॉडी वहाँ से नहीं उठाना चाह रहे थे और उनके परिवार में महिलाएं जो थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी और शव जो है नहीं उठने दे रही थी। वरीय पदाधिकारी जो है यहाँ से गए, कुछ थाना प्रभारी DSP SDO वगैरह जो है वो परिवार से मिले, कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के, कुछ जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने भी मिलकर परिवार से बात की, जो भी मदद हो सकता है प्रशासन की तरफ से ताकि उनको मिल सके। और परिवार ने फिर शव को वहाँ से उठाया है। इस संदर्भ में एक UD कांड दर्ज किया जा रहा है और शव का जो है इंक्वेस्ट किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में है वो। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में रविवार को एक युवती की शादी है और इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण है, माहौल खराब न हो इसको लेकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं खूंटी SP अमन कुमार ने पूरे मामले को मजिस्ट्रेट जांच कराने की बात कही है। इस घटना में आपकी क्या राय है हमें अवश्य बताएं। तब तक देखते रहें सोशल संवाद। धन्यवाद।